मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहन, सबों को बोलने से पहले यीशु मसीह के नाम में निमंत्रण करता हूँ और जय यीशु बोल के अभिनंदन करता हूँ। आज प्रभु ने मुझे एक मौका दिया है मेरे जिंदगी के बारे में। प्रभु ने जो मेरे साथ क्रिया किया, गवाही के रूप में आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। बताने से पहले एक वचन में आप लोगों के बीच में प्रकट करना चाहता हूँ। लुका की सुसमाचार अध्याय 19 वचन 10 में लिखा है, गॉस्पल ऑफ सेंट लूक चैप्टर 19 वर्सेस 10 में लिखा गया है, यू वेर लॉस्ट बट आई हैव फाउंड यू, अब खो गए थे परंतु मैंने आपको ढूंढ के लाया, चुन के लाया। सही में मेरे दोस्त, मैं पापी में था, अंधकार में था, घमंड, क्रोध, अनेक प्रकार की गंदगी मेरे अंदर में था, परंतु आज प्रभु यीशु ने मुझे एक भाई के रूप में फिर से बताने के लिए मौका दिया। सही में मेरे दोस्तों, मैं अपने माता पिता भैया को कभी क्षमा नहीं देना चाहता, अनेक क्रोध था मेरा अंदर, परंतु प्रभु ने सब कुछ बदल दिया। वो घमंड, वो क्रोध, वो हिंसा पाई, प्रभु ने ये वचन दिखाया मुझे, ये वचन के द्वारा प्रभु ने मुझे जिंदगी दी। एक समय में जब मैं पढ़ाई कर रहा था, डिग्री की पढ़ाई, बीए की स्टडीज कर रहा था, उस समय में मैंने एक दिन एक चर्च में नीचे में बैठ के, मेरा हाथ में बाइबल था, मैं नीचे में बैठ के प्रार्थना कर ही रहा था, उसी झंड मेरे दोनों आँख से जोर से बारिश की बूंद की तरह आंसू बहने लगा जोर से, परंतु मुझे पता नहीं मैं क्या उस समय में करूँगा या करने वाला हूँ। उस समय में मेरे अंदर से बार बार दोहराने लगा एक ही आवाज़, उठो भाई बेटे, उठो जाके अपने पाप को स्वीकार करो, पाप को मानो, जाके मन फिराओ, जितना भी गंदगी से बाहर। उसी झंड मैंने निर्णय बनाया। अगले दिन रविवार के दिन था, मैंने एक ब्रदर को भेंट किया। जैसे ही वो ब्रदर को भेंट किया, मैंने उनको बताया मेरे साथ उस दिन यानी कल के दिन में क्या हुआ था, उस ब्रदर को बताया। तब वो ब्रदर ने तुरंत मुझे बताया, बहुत अच्छा बात है मेरे दोस्त, आपको आपके जिंदगी के साथ प्रभु बात करना चाहता है, इसीलिए आपको बस क्या करना है। उस दिन मैंने पूरे पाप को एक कागज में लिखा, पूरे 4-5 कागज में मैं लिखा पाप को स्वीकार किया। उस दिन से प्रभु ने मुझे डाहर दिखाया, जिंदगी एक नया दिशा में लेके मुझे गया। इसीलिए मेरे दोस्त लोग, मैं तो हिंदी भी अच्छा से नहीं बोल पाता था, परंतु प्रभु ने मुझे सिखाया। मैं कभी भी हिंदी बाइबल पढ़ नहीं पाता, मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, परंतु मैं हिंदी कभी बोल नहीं पाता, परंतु प्रभु ने मुझे सिखाया और आज आप लोग देख रहे हैं मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इसीलिए कुछ भूल हो तो मुझे माफ़ करना। परंतु ये सब मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं घमंड, क्रोध, गंदगी में था, प्रभु ने मुझे निकल के लाया। सही में मेरे दोस्तों, मैं बहुत सारे लोग, मेरे गांव में एक सिस्टर था, एक बहन था, मैं उसको क्षमा नहीं दिया, कितना साल मैंने उसके साथ बात नहीं किया, परंतु प्रभु ने मुझे दिखाया। एक वचन है, यदि आप लोग देखोगे यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 3 वचन 30 में लिखा है, यूहन्ना की सुसमाचार अध्याय 3 वचन 30 में लिखा है, व्हाटएवर यू डू बाय योर लाइफ आई शुड इंक्रीज एंड यू शुड फॉल। मतलब क्या है, मैं नीचे घटना हूँ, प्रभु ऊंचा उठना है मेरे कर्मों के द्वारा। उस दिन से मैं उस बहन को फोन करके मैं बोला मुझे माफ़ करना, मैंने आपके साथ बहुत बात नहीं किया। मेरे दोस्त लोग, इस प्रकार के अनेक मेरे साथ हुआ है, मैं बताने से बहुत लंबा होगा, परंतु प्रभु ने सही में मुझे बहुत सारे शक्ति दिया, उनके सामर्थ से मुझे भरा है। एक समय जब मुझे अनेक ब्रदर लोग लेके मुझे, मैं जब पढ़ाई कर रहा था वचन बांटने के लिए दूसरे समाज के लोगों के पास मुझे लेके जा, मैं डरता था, अंदर से बहुत डरता था, पीछे रहता था हमेशा, परंतु मैं दिन ब दिन प्रार्थना किया, वचन पढ़ने लगे, प्रभु ने मुझे सामर्थ दिया। मैंने जब अनेक परिवार, अनेक भाई बहन को, युवा पीढ़ी लोगों को मैंने वचन बताया है, प्रभु ने कहीं ना कहीं उन लोगों की ज़िंदगी में शायद आशीष किया होगा। मैं यही बताना चाहता हूँ कि मेरा पास बल नहीं था, शक्ति नहीं थी, परंतु जब मैंने प्रभु में आया, प्रभु ने मुझे वो सामर्थ दिया, उनको एक पवित्र कपड़ा से मुझे ढाक दिया ताकि मैं वचन को लोगों तक पहुँचा सकूँ। सही में मेरे दोस्तों, प्रभु में आने से एक सुकून मिलता है, ताकत मिलता है, डर हट जाता है, जितना संकट आता है उसमें हम लोग
चल सकते हैं, क्योंकि प्रभु अनंत जीवन में लेके जाता है। स्वर्ग में हमारे जिंदगी है, एक ना एक दिन हमें स्वर्ग जाना है। ये संसार में हमें दो प्रकार की जिंदगी नहीं जीना, मैंने दो प्रकार की जिंदगी जीने के लिए निर्णय बनाया था जब मैं छोटा था, मुझे पता नहीं था। परंतु जब मैंने प्रभु को जाना तभी मुझे पता हुआ, सही में मैं गंदगी था, क्रोध था, घमंड था, मेरे अंदर बहुत सारे पाप था, बहुत सारे बुरे इच्छा था, जिसमें मैंने हमेशा बरकरार आगे बढ़ने लगा। परंतु प्रभु ने मुझसे बात की, इसीलिए उस समय से मेरा एक इच्छा था कि मैं प्रभु की कार्यों को करूँ। इसीलिए जब मैंने पढ़ाई खत्म करके मेरा एक जब नौकरी हो गया, सबसे प्रथम मैंने प्रभु को बोला, प्रभु यीशु मुझे ऐसा जगह में नौकरी देना जहाँ मैं आपकी कार्यों को कर पाऊँ, आपकी काम को कर पाऊँ। सही में मुझे एक नौकरी दिया जहाँ मैंने सबसे प्रथम सैलरी में मैंने अपने कैसियो कीबोर्ड को खरीदा। मेरा इच्छा था प्रभु की लिए मैं कुछ करूँ। उस समय से प्रभु ने अनेक जगह में लेके गया, मुस्लिम घर में लेके गया, असम घर में लेके गया, प्रार्थना घर में लेके गया। प्रभु ने मुझे बहुत जगह में नाम कमाने के लिए दिया है मौका, परंतु मैं हमेशा बोला मुझे मत धन्यवाद करो, प्रभु को धन्यवाद करना है। मैं हमेशा लोगों को बताता हूँ, परिवार लोगों को, किसी के मेरे दोस्तों, ये युवा पीढ़ी के समय में एक अच्छा समय है जहाँ आपके मन को फिराओ। मत्ती की सुसमाचार अध्याय 6:33 में फिर से लिखा गया है, गॉस्पल ऑफ सेंट मैथ्यू chapter 6:33 में लिखा है, धर्मी कर्ता की खोज में लगे रहो और आपको एक अच्छा जीवन मिलेगा। सही में गंदगी से पूरे सफेद पवित्र होना है, निष्कलंक होना है। माता मरियम जैसे निष्कलंक था, माता मरियम जो दिखने में सुंदर नहीं परंतु वो पवित्र था, निष्कलंक था, इसीलिए प्रभु यीशु के द्वारा जन्म लिया। वही जिंदगी यदि मैं कंटिन्यू करता तो मेरा सफर क्या है पता नहीं। अनेक जगह में प्रभु अनेक लोगों के साथ मुझे सहायित किया, इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ। मैं जब पढ़ाई कर रहा था मेरे पास पैसा नहीं था, परंतु प्रभु ने कहीं ना कहीं से मुझे सहायता किया, कहीं ना कहीं लोग से मुझे मदद किया है, मेरे दोस्त लोग मुझे मदद किया है। इसीलिए मेरे दोस्त लोग, मैं ज़्यादा से ज़्यादा बोलना नहीं चाहता हूँ, ये सब बोल के मैं आनंद कर रहा हूँ और सबों को यही बोलता हूँ, अलविदा। और यीशु मसीह के नाम में धन्यवाद। जय यीशु।